बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें, ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जो कि आपके लोगों के, बच्चों के, बड़ों के, सबके, मर्द और औरतों के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं बैठे बैठे, या सोने की वजह से जब उठते हैं तो हाथ पांव जो सुन्न हुए होते हैं तो वो परेशान होते हैं कि हमारे जिस्म में क्या हो गया, हमसे काम नहीं होता। और सुबह उठते ही ज़्यादा ये चीज़ जो है बीमारी महसूस होती है, क्योंकि हाथ पांव, दिन में तो इंसान काम करता रहता है मगर जैसे ही आप फारग होकर बैठते हैं या जैसे आलती पालती मारकर बच्चियाँ बैठ जाती हैं, काम करती रहती हैं, तो उनके पांव जो सुन्न हो जाते हैं और ऐसे ये होता है जैसे कोई झनझन झनझन पैरों की जो चैटियाँ चलती हैं जैसे महसूस होती हैं, इस तरीके से जो है उनका इसी वजह होती है, दुराने खून रुक जाता है तो उससे जो है पांव हमारे या हाथ पांव जिसम हमारा सुन्न हो जाता है। तो नाज़रीन, इस मसले का हल जो है बहुत ही आसान है और आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, लेमन, ये देखें सर नाज़रीन, ये मैंने लेमन का जूस निकाला हुआ है, ताज़ा और ख़ालिस है बिल्कुल। और क्योंकि ये रखा हुआ होता तो ये जो है इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता, आपने उसी वक्त एक लेमन लेना है और उसमें से आपने एक चम्मच जो है आपका तकरीबन आधे लेमन का जो है एक चम्मच बन जाएगा। और अगर आपने एक लेमन निकालेंगे तो उसका आपने उसमें से आपने जो है एक चम्मच जो है आपने इस तरह भर के इसको लेमन का, जैसे ये मैं आपको भर के दिखा रही हूँ, आपने इस तरह एक चम्मच भर लेना है लेमन का। और एक चम्मच आपने जो खालिस शहद आपके पास मौजूद हो, क्योंकि आजकल खालिस चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीनी मिली हुई आजकल आ रही है शहद में, तो अगर आपके पास खालिस शहद है तो बहुत बेस्ट है। जिस तरह ये है खालिस और ये जम नहीं रहा नाज़रीन, इस तरह का होता है खालिस शहद, तो आपने एक चम्मच इसी तरह जिस तरह मैंने ये आपको लेमन का भर के दिखाया, इसी तरह ही आपने ये शहद का भी चम्मच भरना है। और आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, देखें साफ़ सुथरा पानी बिल्कुल इसी तरह का, एक गिलास बड़ा आपने जिस तरह ये आपको देख रहे हैं, एक गिलास इतना पानी का रोज़ाना आपने लेना है और एक चम्मच इसके अंदर जो है ये लेमन का इसमें डालना है और एक चम्मच जो है शहद का इसमें डालकर मिक्स करके आपने पी लेना है। कोई चीज़ और इसके अंदर ऐड नहीं करनी, आपने रोज़ाना इसको जो है मिलाना है, इसी तरह ताज़ा बनाना है, ताज़ा बना के आपने कम अज़ कम 40 दिन तक ये आपने रोज़ाना पीना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका इतना बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा कि आपके खून की जो दुराने खून है जो आपका रुक जाता है और आपके जो है खून के अंदर जो गाढ़ा उत्पन्न हो जाता है, जैसे कि शरियानों में हमारे खून नहीं आता तो वो जमता शुरू होता है, महसूस होता है, तो ये चीज़ जो आप पियेंगे नेचुरल चीज़ें हैं, आप पियेंगे आपका दुराने खून तेज़ होगा और आपके जो है कहीं भी रुकावट नहीं होगी और आपके हाथ पाँव आपका जिस्म सुन्न नहीं होगा। तो नाज़रीन, आपने ये मेरी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई ये बिल्कुल आपने रोज़ाना ताज़ा लीमू निचोड़ना है, निचोड़ के एक चम्मच इसका बना के जिस तरह मैंने आपको बताया, इस तरह आपने रोज़ाना 40 दिन आप गिन लें कि आज के दिन से हमने शुरू करा है, कैलेंडर पे आप निशान लगाएं ताकि आपको रोज़ाना पता हो कि हमने आज कितने दिन ये जो हमने जो बना के पिया है तो आपको खुद पता चलेगा कि हमने इतने दिन पी चुके हैं, ताकि आप भूलें नहीं। कैलेंडर के हिसाब से आप 40 दिन जब आपके हो जाएँ तो फिर आप देखेंगे कि आपके 40 दिन के दौरान ही अंदर बीच में ही आपको खुद फ़र्क महसूस होगा कि आपका जिस्म जो है सुन्न होना ख़त्म हो गया है और आपका जो है खून दुराने सही दुराने खून का आपका काम कर रहा है। तो नाज़रीन, इस तरह आपने ये रोज़ाना 40 दिन आपने ये पीना है और इसके बाद फिर आपको देखना खुद आप अपना रिलैक्स अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, रिलैक्स होकर अपना काम करेंगे, आपको ये जो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मैं इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा और कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।